एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस टॉपिक में से हर कम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, उनमें से एक है इंपॉर्टेंट बुक्स नेम्स एंड देयर ऑथर नेम्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंदर और आप देख रहे हो आरएसबी लेटेस्ट इन्फो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम्स एंड देयर ऑथर नेम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक मार्क्स जो है वो पक्का होने वाला है, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको लगे कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आप सबके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम्स एंड देयर ऑथर्स नेम्स। हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा देवराज शर्मा जी के द्वारा। हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। हिमाचल प्रदेश परिचय बुक्स के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर भी देवराज शर्मा ही रहेगा। देवराज शर्मा जी के द्वारा ही हिमाचल प्रदेश परिचय बुक्स जो है वो लिखी गई थी। हिमालयन पॉलियंड्री बुक्स के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डीएन मजुमदार जी के द्वारा ही हिमालयन पॉलियंड्री बुक्स जो है वो लिखी गई थी। किन्नर देश बुक्स के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राहुल शांत कित्या जी के द्वारा ही किन्नर देश पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। हिमालय परिचय पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर भी राहुल सानकृत्या ही रहेगा। राहुल सानकृत्या जी के द्वारा ही हिमालय परिचय पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। किन्नर लोक साहित्य बुक्स के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर बी आर शर्मा जी के द्वारा किन्नर लोक साहित्य पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। हिमालय बॉर्डरलैंड पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राम राहुल जी के द्वारा हिमालयन बॉर्डरलैंड पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हिमालय अडोव ऑफ लाइट पुस्तक के राइटर कौन है, यानी कि ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा निकोलस रॉरिच के द्वारा हिमालय अडोव ऑफ लाइट पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक जो है वो किस तरह लिखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो जे हचिसन के द्वारा जो है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट बुक्स जो है वो लिखी गई थी। ये हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा विक्रम कियास्त के द्वारा जो है हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक्स जो है वो लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक्स के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मान मोहन सिंह जी के द्वारा हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक्स जो है वो लिखी गई थी। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ईपीएफ हारकोर्ट जी के द्वारा हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति बुक्स जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो ही जाता है, कांगड़ा पेटिंग बुक्स के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एम एस रंधावा। कांगड़ा पेंटिंग बुक्स के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एम एस रंधावा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारीख के रियासत सिरमौर पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रंजूर सिंह। तारीख व जोग्राफिया रियासत बिलासपुर खैलूर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा अक्षर सिंह। बिलासपुर की कहानी पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अक्षर सिंह। मुकालसर तारीख रियासत चंबा के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रीव खान। काफी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। धरती है बलिदान की पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, हर कम्पिटेटिव एग्जाम मैक्सिमम कम्पिटेटिव एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है धरती है बलिदान की, जिसके राइटर हैं शांता कुमार, यानी कि इन क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, इसका ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर भी शांता कुमार जी ही हैं। देशभगत स्वामी विवेकानंद पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इनके इस बुक्स के भी ऑथर शांता कुमार जी ही हैं। लाजो पुस्तक के ऑथर कौन है? शांता कुमार जी ही हैं। हिमालय पर लाल छाया के ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर भी शांता कुमार जी ही हैं। फ्रेंड्स, आपको ये जो
शांता कुमार जी के नाम से जितनी भी पुस्तकें हैं उन्हें तो आपको रटना जरूरी है, क्योंकि आप मैक्सिमम कम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिए एक क्वेश्चन जो है वो पक्का पूछा ही जाता है इनमें से। और लाजो बुक्स के ऑथर तो आप देखना प्रीवियस 3 एग्जाम में पूछे ही गए थे। तो फ्रेंड्स इनको तो आप रट ही लीजिएगा, रटने तो आपको पूरे के पूरे ऑथर्स के नेम ही है, बट इसको खासकर आप याद रख लीजिएगा। हिमालयन पर लाल छाया पुस्तक भी काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई थी। कंट्री लाइफ बुक्स के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा नोराहा रिचर्ड के द्वारा जो है कंट्री लाइफ पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। कुल्लक देश की कहानी, फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहेगा एलसी प्राथी रहेगा। प्राचीन हिमाचल बुक्स के ऑथर कौन है, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा एलपी पांडे जी के द्वारा प्राचीन हिमाचल पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आनंद चंद जी के द्वारा बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। कमनिया किन्नौर पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आर के कौशल जी के द्वारा। लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश और सिरमौर पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, इसका राइट आंसर रहेगा बाल कोविंद जी के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई थी। ट्रैवल इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा विलियम मोरक्राफ्ट जी के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, फ्रेंड्स जिस पुस्तक से हम आपके तक जीके पहुंचाते हैं हिमाचल प्रदेश का, उन्हीं के राइटर हैं जगमोहन बलोकरा जी। इनकी बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें कि हिमाचल प्रदेश का जीके जो है बहुत ही डीपली दिया गया है। यदि आप हिमाचल प्रदेश की जीके की तैयारी करना चाहते हो तो इस बुक्स को जरूर परचेज कर लें और डेली एक या दो पेज जरूर पढ़ें। और यदि आप इस बुक्स को पूरी रीड आउट कर लेते हो तो ऐसा कोई कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जिसमें से इस बुक से क्वेश्चंस नहीं। वैदिक आर्य और हिमाचल बुक्स के ऑथर कौन हैं, एमआर ठाकुर जी हैं। हिमालयन पुत्र किन्नरों की लोक गाथाएं पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा शराब नेगी। शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश बुक्स के ऑथर कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा टीएस नेगी। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर रहेगा ओसी हांडा जो है इस पुस्तक के ऑथर हैं। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के ऑथर कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा किशोरी लाल वैद्य। हिमालयन सर्कट पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा जीडी ओशला। हिमालयन आर्ट बुक्स के ऑथर कौन हैं, इसका राइट आंसर रहेगा जेसी फ्रैंक। एचपी इट्स सेप एंड स्टेट इसके ऑथर कौन है बुक्स के, तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर बाई एस परमार जी के द्वारा जो है एचपी इट्स सेप एंड स्टेट पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। पॉलियंड्री इन द हिमालयस इसका जो बुक्स के ऑथर हैं वो डॉक्टर बाई एस परमार जी हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमेशा रीड आउट कर लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है पॉलियंड्री इन द हिमालयस, उस बुक्स के ऑथर हैं डॉक्टर बाई एस परमार। और इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में आप सबके साथ शेयर किया था, वो कुछ इस तरह से था हिमालयन पॉलियंड्री बुक्स के ऑथर कौन हैं, तो वो डी एन मजुमदार है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन होता है और इस क्वेश्चन को हम हमेशा गलत कर देते हैं, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। यदि आपसे पूछा जाए
हिमालयन पॉलिंड्री बुक्स के ऑथर कौन हैं, तो आपका आंसर रहेगा डीएन मजूमदार। और यदि आपसे पूछा जाए पॉलिंड्री इन द हिमालयाज बुक्स के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर वाई एस परमार। एचपी हिस्ट्री एंड कल्चर्स एंड इकोनॉमी बुक्स के ऑथर कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मियान गोवर्धन सिंह जी के द्वारा जो है एचपी हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी बुक्स जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हिमालयन पिलग्रिमेज बुक्स के ऑथर कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी एन दत्तर जी के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई थी। इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम अ पंजाब हिल्स, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम अ पंजाब हिल पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर है डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा यह पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। एडोव ऑफ गॉड्स पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा एंड्रयू विल्सन जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। हिमालयन वंडरलैंड लाहौस्पीति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा मनोहर सिंह गिल जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। होली हिमालयस बुक्स के ऑथर कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ई एस ओकलेज। पीक एंड लामाज पुस्तक के ऑथर कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा एम पालीज। सोशल वर्क इन द हिमालयाज इसका ऑथर कौन थे, तो इसका राइट आंसर रहेगा राम राहुल जी के द्वारा यह पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। ओवर द हाई पासिस पुस्तक के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कृष्णा नोबल जी के द्वारा है जो ये पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। ओवर द हाई पासिस द जर्नी इन द हिमालयाज एंड माउंटेन पुस्तक के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डब्ल्यू लॉयड। द राजाज ऑफ पंजाब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, द राजा ऑफ पंजाब पुस्तक के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सर लैपल ग्रिपिन। चीफ एंड फैमिली ऑफ नोट इन हिमाचल बुक्स के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा मैसी। टूर इन टू द स्नो रेंज एंड हिमालय माउंटेन बुक्स के ऑथर कौन है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेजर। अर्ली बुडन टेम्पल बुक्स के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा गोड्स। फ्रेंड्स अर्ली वुडन टेम्पल ऑफ चंबा बुक्स के ऑथर जो हैं वो गोड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट बुक्स के ऑथर कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा बीपी मेनन जी के द्वारा स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स बुक्स जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटिक्स ऑफ एंटिक्स ऑफ कांगड़ा बुक्स के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दिलीप के चक्रवर्ती एस जे हसन जी के द्वारा यह पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा लायल जी के द्वारा यह पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा रामेश्वरी लाल गुप्ता जी के द्वारा न्यूमिस्मैटिक पुस्तक जो है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश लिखी गई थी रामेश्वरी लाल गुप्ता जी के द्वारा। कंट्री ऑफ लाइफ ऑन अ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा नोराहा रिचर्ड जी के द्वारा यह पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। तारीख ए जुवल कोहिस्तान शिमला पुस्तक के ऑथर कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा भगवान दास। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिमालय प्रदेश हिमाचल प्रदेश बुक्स के ऑथर कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा एस एस चराग। द ब्यूटीफुल इंडिया हिमाचल प्रदेश बुक्स के ऑथर कौन हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा एस एस चीब। गोरखाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्की के ऑथर कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा यूएस कुमार। त्रिगर्ता पुस्तक के ऑथर कौन है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा विनोद हिमाचली जो है त्रिगर्ता पुस्तक के ऑथर हैं। फ्रेंड्स इस तरह हमने हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट बुक्स की नेम्स एंड देयर ऑथर के नेम्स आप सबके साथ शेयर करें हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका एक मार्क्स जो है वो
पक्का हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जो के साथ जुड़ सकते हो। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे सिंपली क्लिक करके ही आप हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हो, और जितनी भी पीडीएफ फाइल्स होती हैं हम उस ग्रुप में आप सबके साथ शेयर करते रहते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें उन ग्रुप्स के साथ। और फ्रेंड्स, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कई बार जो जिस टाइम हम लाइव बोल रहे होते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है। और फ्रेंड्स, हमने एनालाइज किया है प्रीवियस 10 ईयर के एग्ज़ाम में कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चंस पक्के आते हैं, उनमें से एक था इंपॉर्टेंट बुक्स नेम्स एंड देयर ऑथर नेम्स। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करेंगे जिससे कि आपका मार्क्स जो है वो पक्का हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें हमारे चैनल यानी कि आरएसबी लेटेस्ट इन्फो के साथ, सब्सक्राइब करके रेड बटन दबाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।